सिकरीगंज पुलिस ने आतंक पर्याय बन चुके 25,000 के नामी कुख्यात अपराधी रामा यादव पुत्र लालजी यादव निवासी बंगला पांडे थाना खजनी को तरेना पुल के पास से एक मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया अभियुक्त लूट और चोरी की कई घटनाओं में वांछित था। इसके पकड़े जाने पर 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसके पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस, लूट का 32,100 रुपया तथा जेवरात और मोबाइल बरामद किया है, जबकि इसके कुछ साथी अभी फरार हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि रामा यादव की गिरफ्तारी से कई लूट की घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। SSP ने बताया उसको थोड़ा खड़ा कर दिया, जो कि मूलतः खजनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इस माह की शुरुआत में घटना का अनावरण हुआ था, जहां पे इसका नाम प्रकाश में आया। 4 जुलाई 2018 को इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था और बेसिकली इसकी गिरफ्तारी से बहुत सारी घटनाओं का अनावरण हुआ। ये इस व्यक्ति की काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूर्व में जेल भी जा चुका है। 2015 से ये लूट की घटनाओं के अंदर एक्टिव है। मूलतः जैसा मैंने बताया खजनी का रहने वाला है। इसके अंदर इसने कई जघन्य तरीके के अपराध किए हैं और बेसिकली यहाँ पे ये गोली मार के लूट करना, इसके अंदर एक आलू व्यवसायी के साथ घटना हुई थी जो कि जनवरी माह के अंदर थाना गगहा में हुई थी, जिसके अंदर गोली मार के लूट हुई थी, उसकी आँख भी बाहर आ गई थी, उस अपराध में शामिल था। इसका एक साथी गिरफ्तार हुआ था, तब इसने पूरी घटनाओं के बारे में बताया था, उसी दौरान इसका नाम प्रकाश में आया। 2 लोग इसके अंदर और हैं जो कि इस घटना के अंदर इनके ग्रुप में है, जिनका नाम प्रकाश में है। सिकरीगंज के अंदर घटना लूट की हरपुर बुधक गगहा बांसगांव खजनी बड़लगंज, इन सब घटनाओं के अंदर इसका नाम प्रकाश में आया है। और जैसा मैंने बताया शातिर किस्म का लुटेरा है। इनके साथ असला भी रिकवर हुआ है, कुछ जो कैश घटनाओं के अंदर गया था वो रिकवर हुआ है, साथ ही साथ जो ज्वेलरी है कुछ ज्वेलरी इनके साथ रिकवर हुई है। 8 तारीख को मसाला व्यापारी के साथ सिकरीगंज में लूट हुई थी। हरपुर के अंदर इन्होंने 30 जनवरी को लूट की थी। गगहा को जैसा मैंने बताया था कि इनका जो इन्होंने लूट की थी इसमें गोली मारी गई थी, आंख बाहर आ गई थी। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसका अपराध कारित है। इनको रिमांड पे लेके और पूछताछ की जाएगी। जो साथी इनके नाम प्रकाश में आया उनको वेरीफाई करके उनको भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। संगठित गिरोह भी चलाते हैं, बिल्कुल जैसा आपको बताया मैंने 10 घटनाओं का अनावरण जनपद गोरखपुर से ही हो रहा है। पूर्व के अंदर 2015 से लूट की इनकी हिस्ट्री रही है और जेल से छूटने के बाद ये पुनः अपराध के अंदर आए हैं। वे एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में और काफ़ी शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया।